बेटे 2012 का क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एच क्यू इज 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट के फॉर द एसिड। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एसिड से रिलेटेड देख लें। अगर एसिड है एच क्यू एंड रिमेन इक्विलिब्रियम विथ एच प्लस प्लस क्यू माइनस, अगर हम मान लें कि इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है, तो वन में से अल्फा डिसोसिएट होगा तो सी में से सी अल्फा, सी को कॉमन ले लिया। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, वन मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है तो सी मोल प्रेजेंट होंगे, सी मोल में से कितना डिसोसिएट होगा, सी अल्फा, तो हमने सी माइनस सी अल्फा में से सी को कॉमन ले लिया, राइट। अच्छा, इसका अगर वन डिसोसिएट होगा तो ये वन बनेगा, अगर सी अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये कितना बनेगा बेटा, सी अल्फा, और ये सी अल्फा। डिटेल में इसको आप जो है आयनिक इक्विलिब्रियम के वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, स्टोर में मैंने वो कंप्लीट वीडियो लेक्चर कवर किया हुआ है। अब बेटा यहाँ से ये हो गया, तो अगर इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए अगर हमें लिखना है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्यू माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच क्यू कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा सी अल्फा, ये हो जाएगा सी अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा, सी वन माइनस अल्फा, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एजम्पशंस हम लोगों ने लिया था कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में कि जो नॉर्मल कंसंट्रेशन सोल्यूशन का होता है उस पर जो है अगर थोड़ा कंसंट्रेट सोल्यूशन है तो वन के कंपैरिजन में अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, कम होती है, वीक एसिड कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते हैं, और अगर सोल्यूशन का मॉडरेट कंसंट्रेशन है तो वहाँ पर वीक एसिड बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, और वैसी सिचुएशन में वन के कंपेरिजन में अल्फा को निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब अल्फा को निगलेक्ट कर देंगे तो वन माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन, तो वैसी सिचुएशन में क्या आ जाएगा, वैसे सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ से जो है हम निकालें अगर अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है तो के को हम के ए ले लें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, के ए अपॉन सी। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, सी अल्फा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां लाके पुट कर दें तो सी रूट में के अपॉन सी कितना हो जाएगा, अंडर रूट के इंटू सी, ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू दिस मच। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि पीएच कितना है, 3, तो अगर बेटा पीएच 3 है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, पीएच इक्वल टू 3, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 to the power -3, ठीक, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -pH, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं 10 to the power -3, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है बेटा, अंडर रूट के ए इंटू 0.1, दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये 10 to the power -6 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 10 to the power -6 इज इक्वल टू के ए इंटू 0.1, तो के ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 to the power -5, ये हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर है, ओके डियर।